कोई नहीं पता कि ये क्या चीज है। है? मैं चोरी खोल के व्यूअर्स को दिखाती हूँ, इससे चोरी। अब दिखाओ उनको भी। दवाई है, मेरी दवाई है। नहीं रुको रुको, दिखाने वाली चीज नहीं है। ये देखो जी, झगड़ा हो गया। ये देखो, ये नहीं खुलता, ये नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। व्यूअर्स, हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। देश हैं, परदेश हैं, हर किसी की अल्लाह पाक लंबी उम्र करे, आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज का मजेदार व्लॉग करते हैं शुरू। ये देखें अली हमजा, ओए इधर आओ। आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है व्यूअर्स, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है, जरा सा भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप किया तो ऐसे समझो आपको पता नहीं चलेगा और व्लॉग का मजा बिल्कुल नहीं आएगा। अली हमजा वापस आ गया, अली हमजा को मैंने आवाज लगाई। ये देखें व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बताता चलूँ, कल मैं ना ईंटें इकट्ठी कर रहा था। ये देखें कल का मैं लगा हूँ और इतनी सारी ईंटें इकट्ठी कर ली और थोड़ी सी बाकी पीछे बच गई है, वो भी मैंने अभी उठानी है। और उसके बाद अभी हमारा रिक्शे वाला नहीं आया, रिक्शे वाले से बात भी हुई है, रिक्शे वाले ने कहा है मेरा थोड़ा रिक्शा ख़राब है, मैं वो बनवा रहा हूँ, वो जैसे ठीक हो जाता है तो मैं मतलब ईंटें लोड करके आ रहा हूँ। चलें ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। और आज का व्लॉग किस टॉपिक पर है थोड़ा सा आप बताओगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आज का व्लॉग ना बड़ा हमारे लिए तो खास है और हाँ जी के लिए भी खास ही होगा। बिल्कुल। तो आज के व्लॉग में ना हम आपको कुछ दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरी ये सबसे बड़ी मुश्किल भी हल हो गई है, ये देखिए। हाँ जी, ये टापा है प्लास्टिक का, ये किस लिए लिया था? ये कपड़े धोने के लिए लिया था मैं ना, वहाँ से मतलब इधर से लेके आती हूँ, थाल वगैरह और ब्रश वगैरह कपड़े धोती थी, तो मैंने ये ब्रश भी ले लिया था। अच्छा, ब्रश भी ले लिया था। ले लिया तो मजे से इसमें कपड़े धोऊंगी। कब गए थे ये भी थोड़ा बताना। हाँ जी, बस हम जुम्मे वाले दिन गए थे शॉपिंग करने, और आज शॉपिंग के पैसे कहाँ से आए थे? शॉपिंग के पैसे हमारे आउट ऑफ कंट्री से आए थे। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि आपने ना बच्चों के कपड़े लेने हैं और अपने भी लेने हैं, लेकिन हमने अपने नहीं लिए, बच्चों के सिर्फ कपड़े लिए हैं, वो आपको दिखाते हैं। हाँ व्यूअर्स, बिल्कुल बेगम साहिबा ने ठीक कहा, ये पैसे आउट ऑफ कंट्री से आए थे। एक भाई है, उसने ये भी कहा था कि व्लॉग में दिखना चाहिए बच्चों के खाने पाने के लिए क्या चीज़ लेके आए आप, और आप लोगों ने बच्चों के कपड़े लेने हैं और अपने भी ले लेने हैं। व्यूअर्स, आप सबको ये भी पता है कि हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम है कमरे वाली, हमने अपने कपड़े नहीं लिए, बच्चों के ले लिए हैं, क्योंकि अभी कमरे पे काफ़ी पैसे खर्च होने हैं, काफ़ी पैसे लगेंगे फिर जाके कमरा बनेगा। जैसे कि आपको पता है ना, आजकल के दौर में घर बनाना बहुत ही मुश्किल है और काफ़ी खर्चा है कमरे पे, तो हमने अपने कपड़े नहीं लिए, जो कुछ पैसे बचे हैं हमने वो कमरे के खाते में लगा लिए हैं। चले तो बच्चों के जो लिए हैं वो बेगम साहिबा दिखाएगी। और भाई, आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपने नाराज़ नहीं होना कि इन्होंने अपने कपड़े नहीं लिए और बच्चों के ले लिए हैं। अच्छा जी, ये किसके हैं कपड़े? ये हैं जी, ये अजवारानी के हैं। अजवारानी के दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मुझे पता है। व्यूअर्स, ये कपड़े बहुत ही प्यारे हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सूट है, ये देखें। और इसके ना अंदर से भी ये गर्म जी, गर्म है। और जो है इसका पजामा, ये है। ये देखें जी, ये है पजामा और इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम भी ये देखें है। और जो है ना, ये है अली हमजे के, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये है जी अली हमजे के कपड़े, ये देखें जी, ये आप प्यारे हैं ना, ये देखें व्यूअर्स, ये टोपी भी बहुत ही प्यारे हैं, साथ टोपी भी है। अच्छा जी, इसके बाद और ये दो ना हाई नेक, हाई नेक, ये देखें व्यूअर्स, और ये हाई नेक है, और ये है। अच्छा जी माशाल्लाह। और एक और चीज भी है मेरी अजवा की, दो है। हाँ, ये अजवा ने कहा था मेरी ये क्या चीज़ है? ये लिपस्टिक है। अच्छा जी, आई शेड दिखाना, ये छोटी सी है। अच्छा, जैसे अजवा छोटी है ना, ये अभी मैंने इसे खोल के नहीं दिखाई, अगर मैं दिखा दूँ ना इसे खोल के तो नीचे बैठवा, आप नीचे तो बैठा, आपको दिखाऊंगी। तो फिर ये कहे अम्मी ये मुझे ले दो, मैंने लगानी है, तो इसे कोई नहीं पता कि ये क्या चीज है। है? मैं चोरी खोल के व्यूअर्स को दिखाती हूँ इससे चोरी, अगर इसे पता चल गया ना अब दिखाओ उनको भी। दवाई है,
मेरी दवाई है। नहीं नहीं रुको रुको, दिखाने वाली चीज नहीं है। ये देखो जी, झगड़ा हो गया। ये देखो, ये नहीं खुलता, ये नहीं खुलता। इधर अगर मैं खोल दो ना, ये एक मिनट में खराब कर देगी। ये देखें जी, दवाई नहीं ला। अब मेरा कहना मानोगी ना? नहीं मैं खुद लगाऊंगी। इधर नहीं, ये आपने नहीं लगानी थी, ये खराब हो जाएगी फिर। ये देखिए, ये अजवा रंग, ये देखें जी, अजवा का मेकअप भी हो रहा है। नहीं वो देखिए, उंगली के साथ शुरू हो गया वो। अली अहमद भी लगा रहा है, लगा रहा है। ये देखो, ये देखो, जब बड़ी होगी ना फिर खुद लेके आएगी अपना सामान, है ना जो? हाँ जी। यार मुझे मेकअप का तरीका नहीं आता, सही लगा दिया। ठीक है, निकाली। और उस ब्रश से तो मेरी जान छूट गया, जिसके दांत छोटे छोटे थे, कपड़े भी नहीं साफ होते थे। तो ये ना अब इसके दांत बड़े बड़े हैं, तो जल्दी जल्दी कपड़े भी वाश हो जाते हैं, जल्दी जल्दी साफ हो जाते हैं, तो आसानी होती है। तो ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो ये सुर्खी है ना जो, ये तो ऐसे मैंने जल्दी में ली थी, और इसका कलर ना मैं देखती हूँ कौन सा है। ये मिडोरा की, मिडोरा की कच्ची है वैसे। अच्छा जी, आपको लगाऊं? अब इसने देख लिया ना, ये कोई चीज नहीं छोड़ेगी अब। इधर दिखाओ। ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग, और आप लोगों ने कमेंट में बताना कि आपको अजवा और अली अहमद कैसे लगे। मुझे तो अजवा के कपड़ों का ना कलर बड़ा पसंद आया। हाँ जी, मैंने जाते ही यही मतलब के ले लिया। मैंने इतनी देर नहीं लगाई थी, खाला के साथ मैं गई थी, बस्ती में शादी है ना, तो खाला जा रही थी शॉपिंग करने, तो मैं भी साथ चली गई। इतने मैंने कहा कि आप जाना तो बच्चों के कपड़े लेके आना, और जूते लेने का ना टाइम नहीं बचा। तो खाला कह रही थी कि मैंने घर चलना, घर हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो ना फिर इसलिए जूते नहीं ले सकी मैं। लेकिन फिर कभी चक्कर लगा तो फिर बच्चों के जूते लेके आएंगे। हाँ जी व्यूअर्स, पिछली बार भी एक शादी थी, उन्होंने हमें बुलाया भी था, इनवाइट किया था, लेकिन हम शादी पे नहीं गए थे। और इस शादी का देखें, क्या पता हमारा प्रोग्राम बन जाए शादी पे जाने का। है तो साथ ही 3 एकड़ का फासला है, इसी बस्ती में तो शादी है। वो टाइम पे देखेंगे, जो भी सिचुएशन होगी इंशाल्लाह वो बाद की बात है। ये देखिए व्यूअर्स, ये अली हमजे ने कहा मुझे भी नहीं खोल रही थी, ये तंग करते हैं फिर। चले करे एंड, और काम करना है काफी सारा यार, भी लोग कैंड कर लें। मैंने वो वाली ईंटें भी इकट्ठी करनी है अभी, फिर रिक्शे वाले के पीछे जाता हूँ। शुरू हो गए ना, फिर पूरे बाजार में मैं कभी नहीं मिलेगा। हाँ आप एंड करें व्लॉग का, मैं रिक्शे वाले के पीछे जाता हूँ, ये ईंटें इकट्ठी करके उसका पता करता हूँ। आज के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।